अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों, ठीक ठाक हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो चैनल। आज है जनाब ईद उल अज़हा का दिन और बहुत बहुत आप सबको ईद मुबारक हो और ख़ास तौर पे हज शरीफ मुबारक हो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, क्या सोच रहे, गर्मी है, जून का महीना है और जून के महीने में गर्मी लश्कारे मारेगी। तो जनाब आज है ईद का दिन और ईद के दिन कुछ ज़रूरी काम होते हैं। सबसे पहले जाना होता है कब्रिस्तान, वहाँ पर दुआ पना करते हैं, उसके बाद आके फिर आपसे गपशप लगाते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, यही सोच रहे हैं ना कि मुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है। पसीना इसलिए आ रहा है कि गर्मी है, जून है, 29 जून है आज, तो पसीना नहीं आएगा, ऊपर से मैं कमज़ोर सा बंदा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो अच्छा जी, तो हम वापस आ गए, तो अभी बज रहे तकरीबन 10 बजे का टाइम है, तो कुछ अजीज़ों से मिलने जाने, फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मिलते हैं। अच्छा, हमको सिखा रहा है। और दूसरा ये कि आप सबको दिली ईद मुबारक, और सबसे बढ़कर ये बात है कि अपनों को माफ़ करें, माफ़ करना सीखें। माफ़ करना जो होता है वो बहुत बड़ी चीज़ है, हर कोई माफ़ नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी सिफ़त है कि जो अल्लाह ताला अपने बंदों को देता है, तो आप भी माफ़ करना सीखिए और इस तरह माफ़ करें जिस तरह आप अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि वो आपको माफ़ करें। तो सबको माफ़ करें, दिल से माफ़ करें। अच्छा, हमको सिखा रहा है। अज़र भाई को दुआ में खसूसी आपने याद रखने, स्पेशल दुआएं मेरे लिए, सबके लिए, मेरे पूरे खानदान, दोस्त अहबाब, सब अजीजों के लिए दुआएं कीजिए। नहीं। A few moments later. जी तो दोस्तों, हम इस टाइम गुवाहाटी चौक में पेशावर के मशहूर इलाके में, और इस टाइम ईद का दिन है और तकरीबन 10 से 11 बजे का टाइम है, आप देख सकते हैं मनाजिर। ये सुबह 10 बजे का टाइम है, गेम गेमिंग शुरू होने वाली है, तो जब गेम गेमिंग शुरू हो जाएगी फिर आपको एक और नया एक मंजर बताएंगे। मैं नहीं मानता। जी तो दोस्तों, आज ईद का दिन है और इतनी गर्मी है कि बस मैं क्या बताऊँ आपको, आप मेरी हालत से अंदाजा लगा सकते हैं आज कितनी गर्मी पड़ रही है। और इतनी जो इतनी गर्मी, हालांकि वहाँ की मुस्कुरात ने बताया था कि काफ़ी अच्छा जो है वो था, लेकिन इतनी गर्मी आज पड़ी है कि बस मत पूछे मेरा हाल, देखें आप क्या होगा, पसीने से रन बस बताइए आप लोग क्या हालात हैं, कमेंट से बताइए कि कैसे गुजरा आपका दिन। नहीं। A few moments later. A few moments later. अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब, ठीक ठाक? जी आज ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है और बहुत इन्जॉयमेंट हो रही है, लेकिन गर्मी भी बहुत तेज़ है, लेकिन गर्मी की वजह से हम इन्जॉयमेंट तो तर्क नहीं कर सकते, और वैसे खामोशी है और लोग कुर्बानी के अमल मसरूफ़ हैं। अल्लाह ताला सब की कुर्बानी व हाजत कबूल मंजूर फरमाएँ, और उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माई चैनल, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा आप ये कैसे गुजरे। नहीं। A few moments later. अच्छा जनाब, तो अभी हम जाने लगे हैं बाहर कुछ काम के सिलसिले में, आपसे फिर बाद में मुलाकात। चलिए आइए आपको अपने बाजार से मिल। अच्छा जी, सबसे पहले अपने बादल को निकालते हैं, उसके बाद फिर सफर करते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। A few moments later. A few
few moments later. मजदूर जब काम कर लेते हैं तो किनकी क्या हालत होती है, अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी और सेहत दे ईमान के साथ। ये देखिए ये चमड़ा की जो चमड़े के मजदूर होते हैं इनके काम का ये देखिए सारे, और रात के आने में और दिन के जाने में और दिन के आने में और रात के जाने में वाकई अल्लाह ताला के राज हैं, निशानियाँ हैं बेशक। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुमान में रखे और सलामत रखे, दुआओं में अपने इस प्यारे अज़र भाई को याद रखिएगा, और कोई भी कमी बेची हो किसी के हवाले से तो माज़ूर चाहता हूँ। इंशाल्लाह ताला आगे आने वाली वीडियोस आपको अच्छी लगेंगी, और भी अभी मेरी न्यू वीडियोस हैं तो मैं इतना कुछ नहीं बता सकता। अच्छा हमको सिखा दिया है तो वो नहीं है कि आप लोग यही समझोगे यार ये कैसे वीडियोज़ बना रहे हैं एक्स वाई जेड, तो ऐसा ऐसा कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप बंदा सीख लेते हैं और सेट हो जाएगा इंशाल्लाह, आपको पसंद आएंगी वीडियोस। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।